जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल ट्रेन नंबर 12627 कर्नाटका एक्सप्रेस में, जो कि बैंगलोर से लेकर नई दिल्ली के बीच में चलती है। अभी हम लोग मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर क्यों निकल रहे हैं। आज मैंने आप लोग से कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था कि आप किस ट्रेन के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे, हमारी कर्नाटका एक्सप्रेस की किस जर्नी के हिस्से को देखना चाहेंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आपने कहा कि सेंट्रल रेलवे की राजधानी का ओवरटेक आप देखना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कहानी की तरह प्रस्तुत किया जाए और जो हमारे रेल फैन दोस्त हैं वही इस भावना को समझ पाएंगे, बाकी लोग शायद ना समझ पाएं कि एक ट्रेन का ओवरटेक और इन सब चीज़ में कितनी एक्साइटमेंट होती है। तो हमारी कर्नाटका एक्सप्रेस अभी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और लगभग हमारे 40 मिनट पीछे चल रही है हमारी सेंट्रल रेलवे की राजधानी, जो कि अभी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची है। हमारी ट्रेन को लगातार अच्छी रफ्तार में भगाया जा रहा है मथुरा के बाद, क्योंकि जो राजधानी एक्सप्रेस है वो किसी भी समय हमें ओवरटेक करने के लिए आ सकती है। राजधानी की स्पीड लिमिट 130 KMPH है और कर्नाटका की रिस्ट्रिक्टेड स्पीड 110 किलोमीटर पर आर है इस रूट में, क्योंकि कर्नाटका एक्सप्रेस ICF कोचेस की है और हमारी राजधानी एक्सप्रेस LHB कोचेस की है, जो कि पुश पुल के साथ चलती है, यानी दोनों तरफ एक एक इंजन लगा होता है। तो चलिए हमारे पार्ट टू के एक ब्लॉग को देख करके आप इस चीज़ को समझिए। दोस्तों अभी हम लोग CR राजधानी से ओवरटेक के लिए, यानी जो हमारी राजधानी है जिसका नंबर 2 है, उसे ओवरटेक के लिए रुंदी स्टेशन में रुके हैं। पीछे हमारे आ चुकी है हावड़ा जाने वाली IS विज्ञान अभा तूफान होगी, जिसमें हावड़ा का लोकोमोटिव लगा हुआ है। हाँ, तो ये वही उद्यान अभा तूफान है हमारी, इसमें लिखा हुआ है श्रीगंगानगर नई दिल्ली हावड़ा, नई दिल्ली के रास्ते आगरा मथुरा फिर कानपुर सेंट्रल, इस रूट से जाती है हावड़ा की ओर, डायरेक्ट रूट नहीं लेती गाज़ियाबाद वाला। एक्सप्रेस हमारे आगे से निकल रही है, अगर ये यहाँ से समय से निकल जाती है तो मैं दूसरी तरफ जा करके CR राजधानी के ओवरटेक को स्पॉट करने वाला हूँ। इसमें जो 3 टायर के डिब्बे लगे उनकी हालत क्या है, तो सबसे पुअर मेंटेन, जो मतलब सबसे बेकार डिब्बे होते हैं उसको इस गाड़ी को ऐसा लग रहा है दिया गया हो। ये 2005 के मैन्युफैक्चर डिब्बे हैं जो उद्यान अभा तूफान एक्सप्रेस में लगे हुए हैं, और इसी के साथ उद्यान अभा ने हमारे लिए लाइन क्लियर कर दी है। अब चलते हैं उस तरफ और लेते हैं राजधानी का ओवरटेक। तो दोस्तों ये निकली हमारी मुंबई से लेकर हजरत निज़ामुद्दीन के बीच में चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस पुश पुल के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। सामने से आ रही है कोहरे से निकलती हुई झेलम एक्सप्रेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग को ऐसे ओवरटेक्स के ऊपर सेपरेट वीडियोज़ देखना पसंद है तो कमेंट सेक्शन में लेकर के बताइए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ मैं लेकर के आप लोग के लिए फ्यूचर में भी आऊँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो। आज के इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले वीडियोस में। आप लोग ख्याल रखिए अपना, हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।